हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो गाइस वेलकम टू प्रोसेस। यस नहीं मैंने सेट किया हुआ था सेकंड टेक। हेलो गाइस वेलकम टू प्रोसेस। ओह शिट वेलकम टू सॉरी फॉर आइका आइका आइका। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रोसेस। आज हम करने वाले हैं स्पिन द व्हील टी-शर्ट पेंटिंग चैलेंज। चलो लेट्स डू इट। यस बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, टी शर्ट पेंट करने वाले हैं। और यहाँ पे जो कुछ चैलेंजेस लिखे हैं वो करते हुए हमें टी शर्ट पेंट करना है। और ये कुछ फैब्रिक कलर्स हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लैक टी शर्ट्स है जिसपे हम करने वाले हैं पेंटिंग। और जिसका टी शर्ट सबसे बेस्ट होगा वो डिसाइड करेंगे आप एक्चुअली। लेकिन आपको पता है जिसका टी शर्ट सबसे बेस्ट होगा उसे क्या मिलेगा। और जो हारेगा उसे पनिशमेंट हम जरूर देंगे। और विनर डिसाइड करेंगे आप हमारे इंस्टा पे। तो जिन्होंने हमें नहीं फॉलो किया वो जाओ, वैसे वही वाले लोग यहाँ पे आने वाले हैं। वापस जाओ और ये टी शर्ट हम एक्चुअली गिफ्ट करने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स को। और वो दो लकी नाम है महेश हमारे फ्रेंड्स है। वैसे उनके बर्थडे अभी हो गए। मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं फ्री हैंड कुछ तो करूंगा। वैसे भी लगना चाहिए कि किसी ने पान का के धोखा है उसको। That's art. I'm really sorry, Kirtan. ये तेरे को पहनना पड़ेगा। मैं मेरी स्ट्रेटजी बताती हूँ। तो मेरे पास अभी जीरो आइडियाज है कि मैं क्या करने वाली हूँ। बस मैं ये करने वाली हूँ कि मेरे जो फेवरेट कलर्स हैं उनको मैं लूंगी और कुछ भी करूंगी। wow! तो मानसी लहाड़े इज नॉट एज क्रिएटिव एज मी, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो भी नेट पे ढूंढ रही है क्या करना है। मैं बिना ढूंढे गाइस मैं कितना टैलेंटेड मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज वो दिखने लेने वाला लेकिन उतना अच्छा वो जो जैसा अभी दिख रहा है वो बनने ही नहीं वाला। ओएमजी हाउ क्रिएटिव। तू क्या लिखने वाला है मुझे बस दुख इस बात का है कि काश मैं एक लड़की के लिए टी-शर्ट बना रही होती। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है लेकिन वो लड़का पहनने वाला है। जी महेश क्या मैं तेरे टी-शर्ट पे एक डॉल निकाल सकती हूं, क्या तू वो पहनेगा। यस वो क्या लिख रहा है वो तो बता दे प्लीज। क्या लिख रहा है तो मेरा जो दोस्त है केतन ही इज फ्रॉम मुंबई सो मैं लिख रहा हूँ मुंबई कर केतन। तो मेरा ढूंढना वर्थ है गाइस। बहुत अच्छे से कर रहा है आदि अली। जेलस ना हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस बहुत बुरी तरीके से नहीं हारना चाहती हूँ। लेकिन प्लीज अभी तक गेम बस स्टार्ट हुआ है। मैं अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे लिख दूँ लातुर कर महेश क्यों ना मैं महेश बाबू लिखूं। महेश बाबू पूरा लिखो
क्या एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। अरे एक मिनट मैं चाहती हूँ कि आधी एक बार व्हील घुमा। तू स्टार्ट तो कर। नहीं लेकिन मैं पहले ही बोलने वाली हूँ तुझे, वो तेरा हो गया ना आधा करके। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। आधी का चांस है, मेरा थोड़ा होल्ड जाने के बाद मैं घुमाऊंगी। सो लेट्स डू इट। ओके आई थिंक इट्स ग्लिटर। मैं ऑलरेडी ग्लिटर का यूज कर रहा हूं। वेयर इज ग्लिटर? नो वो मेटालिक कलर्स है, डिफरेंस पता नहीं पागल गई का। दिस इज ग्लिटर और मैं डिसाइड करूंगी कि आदि कौन सा ग्लिटर यूज करेगा। दिस इज सो अमेजिंग। अब मुझे पसंद आ रहा है ये चैलेंज। ये देखो ये जलन जलन की वजह से उसको ऐसा हो रहा है और कर देते हैं ये वाला यूज। सॉरी ग्लिटर यूज हो गया यहाँ पे। कैमरामैन जी आप देखो, आप बताओ वहां से ग्लिटर हुई है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा भी नहीं है वहां पे। प्लीज प्लीज हेलो प्लीज आई कैन सी 4-5 ड्रॉप्स। तो आदि सच में बोर कर रहा है यार, किसी को तुझे यूज करना पड़ेगा वरना तू हार गया। मैंने यूज कर लिया ऑलरेडी ये लगा। कैमरामैन जी आप बताइए, उसने यूज नहीं किया है बिल्कुल, उसे यूज करना पड़ेगा। है कुछ भी वहां पे है? So finally, मैंने डिसाइड कर लिया कि I'm gonna keep it simple. Simple and classy. हर किसी को मेरा वाला पसंद आने वाला है। तो क्यों ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो स्ट्राइप बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही कूल लगेंगे। Oh my God, how creative! Thank you. और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ H&M. ब्रांड प्रमोशन नहीं चल रहा है ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि उसका सरनेम हेड्डा है। हेड्डा महेश, इसलिए मैं H&M लिखने वाली हूँ। ए मानसी इधर भी उठे। राहुल जी दिखा। दिस इज DIY गाइस, देख सकते हो हमने कितना अच्छा DIY टेबल बनाया है। DIY नहीं ये है DDI। व्हाट इज DDI? डोंट डू इट। मैंने यहाँ पे निकाली एक छोटी सी लाइन और उसके साइड में मैं निकालने वाली हूँ एक थोड़ी सी बड़ी लाइन और बस हाँ इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके लेट्स स्पिन द व्हील। यस प्लीज। तो आगे की टर्न है और मैं चाहती हूँ पेंट विदाउट ब्रश। किसने लिखा ये स्टूपिड? रियली स्टूपिड। लेकिन गाइज आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताना, भले ही इसने ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई हो लेकिन माई शर्ट इज लुकिंग डैम कूल, डोंट यू थिंक सो? ओके देन बाय। And one more thing for Mahesh and Ketan, we are sending you this second-hand t-shirt guys.